grazing in a kibbutz in the occupied West Bank since 2022, with reports that the sacrifice is planned to take place as early as April 2024. The second, the bringing of red cows into the occupied Palestinian territories. Obeida was referring to the plans of numerous right-wing Israeli groups who believe that a red cow must be sacrificed in order for the Jews to progress plans to demolish the Al-Aqsa Mosque. The winning motive has escaped the head. Stop God from fulfilling his prophecy, which is why this war in Israel has done nothing to stop the... आखिर क्या है द थर्ड टेंपल और क्या दज्जाल का वक्त वाकई करीब है और ये लाल गाय क्या है और क्यों यहूदी उसे इतने टाइम से ढूंढ रहे थे। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मेरे इस चैनल पर न्यू हैं वो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो जाएं। मस्जिद अल अक्सा जो मुसलमानों के लिए किबला अव्वल था, ये वो जगह थी जिसकी तरफ मुसलमान रुख कर नमाज अदा किया करते थे जब तक कि मक्का के काबा को किबला डिक्लेयर नहीं किया गया था। और ये वो दूसरी मस्जिद है जिसे खाना काबा की तामीर के 40 साल बाद बनाया गया। इस मस्जिद की अहमियत कुछ यूं समझते हैं कि ये मस्जिद मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद आने वाली तीसरी अफजल जगह है और इसी वजह से आज ये जगह मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम है। ये मस्जिद फलस्तीन में मौजूद है जिसे यहूदी डिमोलिश करना चाहते हैं, क्योंकि यहूदियों का ये मानना है कि यहाँ हजारों साल पहले एक टेम्पल मौजूद था जो दो दफा गिराया गया और अब वो उसी जगह पर फिर से वही टेम्पल तामीर करना चाहते हैं। और इनका ये भी मानना है कि इसी जगह से इनका मसीहा यानी दज्जाल नमूदार होगा। लेकिन इस टेम्पल को दोबारा तामीर करने के लिए इन यहूदियों को पाक होना पड़ेगा और पाकिजगी का जो तरीका इनकी रिलीजियस किताबों में मौजूद है वो ये है कि इन्हें लाल गाय की जरूरत होगी जिसे यहूदी काफी टाइम से तलाश कर रहे थे, क्योंकि ये कोई आम गाय नहीं बल्कि इसकी कुछ खसूसियात हैं जिसके मुताबिक ये गाय पूरी की पूरी सुर्ख हो, इवन के उसके खुड़ भी और एक बाल भी इसके जिस्म पर ऐसा ना हो जो दूसरे रंग का हो, और उस गाय ने कभी किसी बच्चे को पैदा ना किया हो और ना ही कभी इनमें से दूध निकाला गया हो, और ज़िबह करते वक्त इनकी उम्र 3 साल या उससे ज़ायद हो। और ऐसी ही 5 गायें सितंबर 2022 में अमेरिका के शहर टेक्सास से मंगवाई गयी जिनकी कीमत $5,00,000 थी। Bringing of red cows into the occupied Palestinian territories. Obeida was referring to the plans of numerous right-wing Israeli groups who believe that a red cow must be sacrificed in order for the Jews to progress plans to demolish the Al-Aqsa Mosque. जिनमें से एक गाय इन conditions को पूरा ना करने की वजह से reject कर दी गई और बाकी की 4 गायों को एक खसूसी जगह पर रखा गया, और अब वो अप्रैल के महीने के इंतजार में हैं, जब ये लोग अपनी ईद के रोज इन लाल गायों को ज़िबह करके को जलाएंगे और उसकी राख को पानी में मिलाकर उससे पाकिजा होंगे। ये सब अप्रैल 2024 में प्लान कर लिया गया है यहूदियों की तरफ से। ये कुर्बानी यहूदी मस्जिद अल अक्सा के सामने मौजूद एक पहाड़ जिसे माउंट ऑलिव कहा जाता है वहाँ अंजाम देंगे, और वहाँ एक प्लॉट भी खरीद लिया गया है इन यहूदियों की जानिब से। और ये सब करने के बाद यहूदी इस काबिल हो जाएंगे कि वो कभी भी मस्जिद अल अक्सा को डिमोलिश करके वहाँ हैकले सुलेमानी जिसे द थर्ड टेम्पल कहा जाता है को तामीर करेंगे, और फिर ये लोग अपने मसीहा दज्जाल का इंतजार करेंगे। हैकले सुलेमानी यहूदियों के लिए ऐसा ही है जैसे मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना। और अगर देखा जाए तो इसराइल अभी तक अपनी पूरी जान से गाजा पर हमला कर रहा है, और गाजा के राफा डिस्ट्रिक्ट में सारे मजलूम फलस्तीनी पनाह गुजीर हैं जहां भी इसराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है। और इसी जंगी माहौल की वजह से फलस्तीन के लोगों के पास बेसिक नीड पूरी करने के लिए खाना पानी भी मौजूद नहीं है, और इन सारी सूरतहाल को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहूदी अपना ये इवेंट कैसे ना कैसे करके पूरा कर लेंगे। लेकिन ये कुर्बानी कोई आम कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद दुनिया भर में एक जंगी माहौल नाफिस हो जाएगा जिसे इस दुनिया की क्यामत से पहले होने वाली आखिरी जंग भी कहा जाता है, जिसे इंजील के अंदर अर्मेगेडोन और अहदीस में से अल मलमत अल कुबरा कहा गया है, जिसके लघवी मायने हैं द ग्रेट बैटल। और ये जंग इतनी कोई खूनरेज होगी कि आज तक किसी इंसान ने कभी देखी ना होगी। तो आप लोगों का क्या कहना है इन सब पर, अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में जरूर इजहार करें, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।